मॉर्निंग एवरी वन, टूडे वी विल रीड आवर फर्स्ट चैप्टर इन कंप्यूटर। आवर फर्स्ट चैप्टर इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स फ्रॉम एबेकस टू रोबोट्स। द फर्स्ट कंप्यूटर वी आर ह्यूमन्स इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वी आर गिवन दिस नेम बिकॉज दे डिड द वर्क डैट हैज प्रीवियसली बीन डन बाई ह्यूमन्स। पहले कंप्यूटर क्या थे? इंसान थे। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों को यह नाम दिया गया था क्योंकि उन्होंने वह काम किया जो पहले मनुष्यों के द्वारा किया जाता था। ओके, कंप्यूटर वाज ओरिजिनली ए जॉब लेबल। पीपल हैड टू डू कैलकुलेशंस टू कंप्यूट थिंग्स लाइक नेविगेशनल टेबल्स, टाइट चार्ट्स, प्लैनेटरी पोजिशंस फॉर एक सेकेंड फॉर एस्ट्रोनॉमिकल एलिमेंट्स। ओके, कंप्यूटर एक मूल रूप से क्या है? जॉब लेबल है। पहले लोग खगोलीय पंचांगों के लिए, उसके बाद टाइट चार्ट्स, प्लैनेटरी पोजीशन यानी ग्रहों की स्थिति जानने के लिए, इन जैसी चीज़ों की गणना करने के लिए उन्होंने गणना की थी। ओके, बिकॉज दिस बिकेम वेरी टेडियस एंड बोरसम, इट लेड टू अ लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स इन देयर वर्क। क्योंकि यह बहुत टेडियस थे, मतलब थकाव थे और बोरियत भरा हो गया था, इस कारण उनके कामों में बहुत सारी गलतियां होने लगी थी। दस एबेकस वॉज इन्वेंटेड, इस प्रकार एबेकस का आविष्कार किया गया था। इट वॉज एन अर्ली एड फॉर मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस। यह मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के लिए एक प्रारंभिक क्या थी? सहायता थी। गणितीय संगणना कहते हैं इसे हिंदी में। इट इज अ लैटिन वर्ड डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एबेक्स विच मीन्स ए कैलकुलेटिंग टेबल। यह एक लैटिन शब्द है जो ग्रीक शब्द एबेक्स से लिया गया था, जिसका अर्थ है एक गणना तालिका। कैलकुलेटिंग टेबल मीन्स गणना तालिका। इट इज बिलीव दैट द अर्लीस्ट एबेकस वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5000 ईयर एगो। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले एबेकस का आविष्कार अप्रोक्स 5000 ईयर एगो, मतलब 5000 साल पहले हुआ था। वाइल सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट द एबेकस वॉज इन्वेंटेड बाई द एंशियंट चाइनीज, सम बिलीव्ड दैट इट वॉज इन्वेंटेड बाई द बेबीलोनियंस और द इजिप्टन्स। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एबेकस का आविष्कार प्राचीन चीनी ने किया था, मतलब एंशियंट चाइनीज यानी प्राचीन चीनियों ने किया था, और कुछ का मानना है कि इसका आविष्कार बेबीलोनियों ने किया था, और कुछ का मानना है कि इसका आविष्कार इजिप्टियंस ने किया था, जिस मिस्त्रियों ने किया था। ए क्विक टाइमलाइन ऑफ द एबेकस हिस्ट्री। एबेकस हिस्ट्री का एक टाइमलाइन है। ईयर एंड इवेंट, इवेंट मीन्स घटना, ईयर मतलब साल। 3000 बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एंड एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, एंड बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट। 3000 बीसी एबेकस वॉज इन्वेंटेड इन चाइना। इस ईयर में यह चाइना में इन्वेंट हुआ था, आविष्कार हुआ था इसका। 1000 बीसी द काउंटिंग बोर्ड वी आर यूज बाई द चाइनीज।
काउंटिंग बोर्ड यूज किया गया था चाइनीजों के द्वारा, चीनियों के द्वारा 500 BC, 500 बिफोर क्राइस्ट। रोमन्स एंड ग्रीक ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग द काउंटिंग बोर्ड। रोमन्स और ग्रीक ये दोनों भी काउंटिंग बोर्ड स्टार्ट किए थे यूज करना। 300 BC, एबेकस फाइंड वाइड यूजेस एज काउंटिंग डिवाइस इन चाइना। और 300 बिफोर क्राइस्ट में एबेकस मतलब वाइडली यूजेस किया गया था काउंटिंग डिवाइस के रूप में चाइना में। 500 AD, 500 एनो डोमिनी इन द प्रेजेंस ऑफ इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, दैट मीन्स ईयर ऑफ लॉर्ड यूरोप ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग एबेकस। यूरोप जो है वह भी एबेकस का यूज करना स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था। अब है स्ट्रक्चर ऑफ एबेकस। द फ्रेम ऑफ द एबेकस हैज अ सीरीज ऑफ वर्टिकल रॉड्स ऑन विच ए नंबर ऑफ वुडन बीड्स आर अलाउड टू स्लाइड फ्रीली। एबेकस के फ्रेम में वर्टिकल रॉड्स की सीरीज होती है जिस पर कई लकड़ी के मोतियों को स्वतंत्र रूप से स्लाइड करने की अनुमति होती है। अलाउ होती है, अनुमति होती है फ्रीली रूप से, स्वतंत्र रूप से। ए हॉरिजेंटल रॉड सेपरेट्स द फ्रेम इनटू टू सेक्शन नोन एज द अपर डेक एंड द लोअर डेक। और एक हॉरिजेंटल फ्रेम को दो वर्गों में विभाजित करती है। हॉरिजेंटल फ्रेम को फिगर में आप देख सकते हैं। ओके, फ्रेम अपर बीट्स, अपर डेक, लोअर बीट्स, ए यूनिट प्लेस। ओके, ईच बीट इन द अपर डेक हैज़ अ वैल्यू ऑफ 5, ईच बीट इन द लोअर डेक हैज़ अ वैल्यू ऑफ 1 एंड नोन एज द नंबर ऑफ डेक एंड लोअर डेक। और इसे अपर डेक और लोअर डेक के नाम से जाना जाता है जिसमें प्रत्येक बीट का वैल्यू, अपर डेक का वैल्यू 5 होता है और लोअर डेक का वैल्यू 1 होता है। एबेकस लेड द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर। एबेकस ने कंप्यूटर की नींव रखी। दो, द डिफरेंस बिटवीन एन एंशियंट एबेकस एंड ए मॉडर्न कंप्यूटर इज वास्ट। दो, एक प्राचीन एबेकस और एक आधुनिक कंप्यूटर, प्राचीन एबेकस और आधुनिक कंप्यूटर में दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। द प्रिंसिपल ऑफ बोथ द डिवाइस टू मेक रिपीटेड कैलकुलेशंस मोर क्विकली देन द ह्यूमन ब्रेन रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम। दोनों उपकरणों का सिद्धांत मानव मस्तिष्क की तुलना में, मतलब ह्यूमन ब्रेन की तुलना में अधिक तेजी से कैलकुलेशन की जाती है। यानी दोनों में, यानी एंशियंट एबेकस और मॉडर्न कंप्यूटर, इस दोनों में ह्यूमन ब्रेन की तुलना काफ़ी तेज़ी से यह काम करती है, कैलकुलेट करती है। ओके, लेट अस क्विकली पीप इनटू द हिस्ट्री ऑफ पीपल हु मेड कंप्यूटर व्हाट दे टुडे बिकॉज ऑफ देयर इन्वेंशन। आइए हम जल्दी से इन लोगों के बारे में जानते हैं, इन लोगों के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ पीपल, उन लोगों के इतिहास के बारे में जानते हैं, उनके बारे में झांकते हैं। पीप मीन्स झांकना, जिन्होंने अपने आविष्कार के कारण, हु मेड कंप्यूटर व्हाट दे टुडे बिकॉज देयर ऑफ इन्वेंशन, जो अपने आविष्कारों के कारण कंप्यूटर को आज बनाया है, आविष्कारों के कारण कंप्यूटर को बनाया है। हु मेड कंप्यूटर व्हाट दे टुडे, जो आज कंप्यूटर को बनाया है अपने आविष्कारों का। उन इतिहासकारों के बारे में जानते हैं। इन्वेंटर, आविष्कारक, इन्वेंशन, क्या आविष्कार किया था, नेपियर बोन्स। और डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में कुछ वर्णन की गई है। ओके, सो आप लोगों को
इन्वेंटर और उसका इन्वेंशन, इन्वेंटर और इन्वेंशन, ओके। ये टोटल याद करना है, रिमेम्बर करना है, और इसके बारे में कुछ चर्चा की गई है डिस्क्रिप्शन, ये भी आप लोगों को याद करना है, नोट एंड लर्न ऑल दिस, ओके। ये टोटल याद कर लेना है, ओके।